अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आसमा। आज हम आपके साथ में पर्स कलेक्शन शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, मेरा पर्स कलेक्शन है, कोई इतना ज्यादा नहीं है गाइस, बस थोड़ा है, छोटा मोटा है फ्रेंड्स, बस वही। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल का सब्सक्राइब भी। तो चलिए देखते हैं मेरे पास कितने पर्स है, कौन कौन से है। कुछ कुछ पुराने हैं गाइस और कुछ कुछ नए हैं, खरीदते रहती हूँ बस ऐसी जो जो पसंद आए। तो सबसे पहले है मेरे पास ये वाला पर्स, ये मैंने लोकल शॉप से ही खरीदा था, गोल्ड कलर का, क्योंकि मैं इसे बुरखे पे यूज करना चाहती, मतलब ज्यादातर ऐसी कोई भी हम लोग ऐसे चले जाते हैं मार्केट वगैरह के लिए, तब के लिए थोड़ा सा ठीक है ये पर्स। मुझे 350 रुपीज में मिला था। सो ये है मेरा फर्स्ट पर्स, इसको मैंने अभी भी खरीदा है, 2-3 मंथ्स हो गया होगा। नेक्स्ट है ये, वैसे में ही है ये, तो मैं कभी कभी ऐसे नीचे चली जाती हूँ तो ये पर्स यूज करती हूँ। ये अच्छा है गाइस, ऐसे थोड़ा छोटा मोटा कुछ भी इसके लिए, कलर बहुत प्यारा है इसका, बहुत अच्छा है। और गाइस कोई ब्रांडेड पर्स नहीं मेरे पास, सिर्फ लोकल पर्स ही है। तो इसी वाले से जो भी है मुझे पसंद है इस, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में मेरा कलेक्शन शेयर करूं। तो आपको कैसे लग रहे मेरे पर्स कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए ये है मेरा सेकंड पर्स, मैंने इसे कुछ 250 रुपीज में खरीदा था लोकल शॉप से। नेक्स्ट है ये वाला पर्स गाइस, इसको लेकर मुझे कुछ 2-3 साल हो गया, इसको मैंने लेकिन है ना जरा सा भी यूज नहीं किया है इसमें। एक्चुअली क्या है, हाँ ये तो मेरे लेंस की पॉटी है, तो इसमें बहुत सारे कर्न है गाइस, बहुत सारे पॉकेट है, ये देखिए देख सकते हो आप, बहुत हैवी, बहुत। मैंने इसको ज्यादा यूज भी नहीं किया, कम से कम 1-2 टाइम मैंने कुछ शादी वादी के टाइम पे इसे लेकर मतलब गई होंगी। ऐसी है, ऐसी लंबा हुआ, ऐसी साइड, ये मेरे हस्बैंड मुझे सऊदी से ले आए थे, वैसे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वहाँ के हिसाब से, कुछ रियाल में मिला था कुछ 2-2.5 हजार का हूँ। तो नेक्स्ट पर्स है मेरे पास ये वाला गाइस, वाओ क्या सॉफ्ट है देखिए मुझे बहुत पसंद है। मैंने एक ब्लैक कलर का गाउन खरीदा था, तो ब्लैक कलर के गाउन के हिसाब से मैंने सोचा कि ब्लैक कलर का, आई लव ब्लैक कलर का गाइस, मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, तो ज्यादातर मैं सारी चीजें ब्लैक ब्लैक खरीदती हूँ, तो फिर हर तो फिर मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने पहले गाउन खरीदा, फिर उसके बाद में जूती भी खरीदी थी। और जूती का कलेक्शन अगर आप कहोगे तो मेरे जूतियों का भी कलेक्शन आपके साथ में शेयर करूंगी। तो मैंने नेक्स्ट ये पर्स खरीदा, उसके कुछ मुझे लोकल शॉप में ही मिला था 500 रुपीज में, कुछ है भी नहीं गाइस। अब घर में लाने के बाद में सब कहने लगे क्या 500 रुपीज में, लेकिन गाइस बहुत बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत स्टैंडर्ड दिखता है, 500 में मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने खरीदा। तो नेक्स्ट ये है मेरे, ये मैंने ऐसी लिया था पर्स कोई भी शादी वगैरह में जाने के लिए, जैसा थोड़ा फैंसी टाइप है देखिए गाइस, तो ज्यादा यूज भी नहीं किया इसको, कोई शादी वादी में हम कभी कभी जाते हैं तो गाइस तो ये यूज करते ना, तो ये इसके पॉकेट वगैरह भी है इसके अंदर से, देख सकते हो आप, एक है पॉकेट इस साइड में, ऐसे पॉकेट है। सो ये है ऐसा वाला पर्स, तो मैंने इसको खरीदा था लोकल शॉप से ही खरीदा था, हम तो लोकल शॉप से ही खरीदते हैं ना गाइस कहीं पर जाते, तो ये मुझे कुछ 700 रुपीज में मिला था। मेरा ये वाला, ये जो मैं क्लासेस वगैरह जाने के लिए मैं ये पर्स यूज करती थी, क्योंकि लॉन्ग बुक वगैरह इसमें इजी रह जाती थी, तो क्लासेस के लिए मैंने खरीदा था ये पर्स, ये कुछ ये मुझे 250 रुपीज में मिल गया था गाइस, बट बहुत अच्छा लगा मुझे ये पर्स भी। नेक्स्ट है ये मेरे जीजू ने लाए, हाँ ये आपके जीजू ने लाए, ये एक्चुअली ये देखो ये बहुत हैवी पर्स है, कुछ 200 रियाल का लिया था उन्होंने सऊदी से ही लिया था, गाइस इसमें देख सकते हो आप, और एक एक पर्स है, तो ये अंदर से बिल्कुल एकदम अच्छा है, कुछ यूज भी नहीं कर रहे, ये मम्मा के लिए लेकर आए थे मम्मा, लेकिन यूज नहीं कर रहे, उनको बहुत हैवी लग रहा था, ये बहुत वजन लग रहा था इन्हें, तो उन्होंने मुझे दे दिया, तो फिर मैंने भी इसको ऐसे ही रख दिया था, इसको 2-2.5 साल हो गया है ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा मटेरियल है गाइस, अब सऊदी से लाया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है,
मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। ये है, मेरी सिस्टर को पसंद आया ये वाले पर्स है, हमारे जो साथ भी ले लेते हैं कॉलेज बॉय के लिए सदा अच्छा है ये, लेकिन क्या हम लोग भी यूज कर सकते हैं। तो ये पर्स मैंने लिया था, इसमें ऑलरेडी मैंने थोड़ी सी टिकली वाला रहता है ना वो भी लिया था, तो वो मैंने मेरी नेक्स्ट मैंने ये लोकल शॉप से ही लिया था, ये कुछ मुझे 350 रुपीज में मिला था। नेक्स्ट है, ये तो बहुत फेवरेट है मेरा ये मतलब ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा है ये पर्स, तो ये मैंने लिया कलर के हिसाब से, लेकिन मेरे पास पिंक बहुत ज्यादा हो गए, तो सिस्टर को बहुत पसंद आया, तो सिस्टर ने बोला है कि नहीं उनको चाहिए ये पर्स, तो हमने बोला कि ठीक है ले लो, बहुत अच्छा पर्स है ये। कुछ नहीं गाइस, पता है आपको ये कितने रुपीज का, इतना सस्ता है, ओनली उन मुझे 250 रुपीज बोला है, और भाई ने हमने बोला कि थोड़ा बार्गेन किया तो फिर उन्होंने हमें 200 रुपीज में दे दिया। गाइस देख सकते हो आप, 200 रुपीज में इतना अच्छा पर्स, क्वालिटी इतनी अच्छी है, देख ही सकते हैं आप। कुछ 4-5 दिन पहले लिया, देखो अभी तक तो इसका कागज भी नहीं निकला हुआ है, तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कलर है, बहुत खूबसूरत है, तो मेरी सिस्टर को पसंद आया, सोनू को पसंद आया, तो सोनू ये पर्स यूज करेगी। सो नेक्स्ट है मेरे पास ये वाले, ये हमारा हैंड बैग इतना बड़ा, तो मैं मम्मा वगैरह की तरफ भी जाती हूँ तो थोड़ा सा बड़ा, तो ये पर्स अच्छे होते ना गाइस, इसलिए मैंने ये पर्स लिया था। ये कुछ मुझे 500 रुपीज में मिला था, इसको लेकर कुछ 1.5 साल तो हो ही गया, लेकिन बहुत अच्छा पर्स है गाइस, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सारा सामान इसमें बैठ सकता है। गाइस आप मेरा व्हाट्स इन माय बैग का चैलेंज देखना चाहते हो, व्हाट्स इन माय बैग चैलेंज नॉट चैलेंज देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट आपके साथ में शेयर करूंगी। नेक्स्ट है ये हमारे हैंड पर्स है, देख सकते हो आप, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे भी, ये तो ये कुछ तो नया भी रखा हुआ है, देखिए इसके अंदर से ये तो निकला भी नहीं है, तो ये कुछ मैंने 300 रुपीज में खरीदा था शॉप से। नेक्स्ट है ये है, इसको मैं अभी डेली यूज करती हूँ, ये वाले पर्स है हैंड पर्स, इसको मैंने खरीदा था 150 रुपीज में। नेक्स्ट है ये तो गाइस बहुत, ये तो मैंने 100 रुपीज में खरीदा था ये हैंड पर्स, ये कभी कभी हमें लग जाते हैं ना ऐसे वाले पर्स, सेम मैंने और मेरी सिस्टर ने साथ में खरीदा था, तो अभी उसको एक पर्स दे दूंगी, मैंने दोनों दो खरीदा था तो एक पर्स मैं उसे दे दूंगी। तो नेक्स्ट है ये वाले गाइस, ये भी मतलब अभी फिलहाल डेली के लिए मैं ये और ये दो यूज कर रही हूँ, और एक ये वाली पर्स है, मेरी सिस्टर हंस रही है, मीन्स फर्स्ट टाइम वो वीडियो के सामने आई है, तो मीन्स सामने नहीं, मीन्स इसीलिए उसको थोड़ी हंसी आ रही है। नेक्स्ट है ये, इसको मतलब 6 महीने से मैं यूज कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा खराब होते आया है, लेकिन बाकी ये अच्छा है। ये सारे पर्स है ना गाइस 200-250 रुपीज में ही खरीदे हुए सारे पर्स, ये मेरा सबसे पुराना पर्स है गाइस, मेरा सबसे लकी पर्स है जो कभी खाली नहीं होता है, फिलहाल मैं इसे खोल के नहीं बताऊंगी आपको, देख सकते हो कितना खराब हो चुका है, मेरे बाबू की फोटो है इसमें, तो ये है पर्स। और भी कोई, और ये देखो गाइस ये है ट्विटी वाला पर्स, इसके ये पर्स के पीछे एक स्टोरी है, अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। ये भी मेरे हस्बैंड सऊदी से ले आए थे, तो आप कहेंगे तो मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूंगी। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हो। तो आपको कैसे लगे मेरे पर्स, कोई इतने खास नहीं है गाइस, तो और भी कुछ है, थोड़े से फैंसी पर्स है रखे हुए हैं जिसको मैंने निकाले नहीं है, जो डायमंड वगैरह के पर्स है, सो मैंने उसको नहीं यूज किए है, सो जो भी डेली बेसिस पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं मैंने वही कलेक्शन आपके साथ में शेयर किया है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।